हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। ये वीडियो इस टॉपिक पर है। अगर आप पेंट की दुकान खोलने की सोच रहे हैं 2022 में, तो सबसे अच्छा समय है। ये जो जुलाई और अगस्त का मंथ है, ये सबसे अच्छा मंथ है आपको शॉप स्टार्ट करने का, क्योंकि इन्हीं मंथ्स में कंपनियां इतना ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं, इतना ज़्यादा कंपनियां डिस्काउंट देती हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा मंथ है। एक तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ऊपर से आप अपने जो भी नई शॉप खोलोगे तो आप कस्टमर को आसानी से जेन्युइन रेट दे पाओगे। ज़्यादातर जो बड़े बड़े डीलर हैं वो यही सब करते हैं, इसी मंथ में स्टॉक करते हैं, फिर आगे तक मुनाफा लेके थोड़ा कॉस्टली करके बेचते हैं। अब अगर आप नई शॉप खोल रहे हो तो भाई एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो भी प्रोडक्ट लो, नया प्रोडक्ट लो, बिल्कुल ब्रांड न्यू पैकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आप जुलाई में परचेज़ कर रहे हैं तो जुलाई का मटेरियल होना चाहिए, अगर अगस्त में परचेज़ कर रहे हैं तो अगस्त का जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए। उसके बाद अब बात आती है कि रोलर पत्ती, गुरमाला हो गया, या ब्रश वगैरह कहाँ से परचेज़ करें। ये आप पहली बात तो किसी होलसेलर से ले लें जो आपके पास में है। अगर होलसेलर नहीं है तो आप पता करना कोई मैन्युफैक्चरर हो आपके पास में। जैसे आगरा में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, जयपुर में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, दिल्ली में मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएंगे, कानपुर में आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। तो इसमें जो है, या फिर आप इंडिया मार्ट पे, सबसे बेस्ट है इंडिया मार्ट पे जाके आप प्राइस कंपेयर करिए, अपनी क्वेरी डालिए, आपको 10 कॉल अपने आप आ जाएंगे कंपनी तरफ से कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे बेस्ट है इंडिया मार्ट पे आप एक क्वेरी डालिए, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, अपने आप आपके पास सारे कॉल्स आ जाएंगे कि आपको अपने आप जेन्युइन रेट मिल जाएगा। ब्रश पत्ती गुरमाला जो भी आपको चाहिए, पेंट एक्सेसरीज में स्टेंसिल्स वगैरह, आपको सारा कुछ इंडिया मार्ट पे ईजिली मिल जाएगा। इंडिया मार्ट होलसेल का बल्क का सबसे बढ़िया मार्केट है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधा इंडिया मार्ट में सर्च करता हूँ। अगर आपको जेन्युइन रेट में कोई चीज़ चाहिए तो इंडिया मार्ट पे आप सर्च कर लो। पेंट छोड़ के, पेंट आपको नहीं मिलेगा, पेंट आपको डायरेक्ट कंपनी से ही परचेज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई ना कोई डीलरशिप लेनी पड़ेगी। और रही बात पुट्टी या पीओपी की, तो यार इसके लिए आपको पहली बात पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया का जो होलसेलर है वो कौन है। पुट्टी या पीओपी में जो भी है आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर उनसे कांटेक्ट नहीं पता लग पा रहा है तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से नंबर निकालिए और उनको कॉल करिए। वो कस्टमर केयर वाले आपको आपके एरिया का जो ऑथराइज डीलर है उनका नंबर आपको मिल जाएगा। अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं देते, ऐसा नहीं है। मैंने भी जब मुझे नहीं पता था, मैं काफ़ी परेशान हो चुका था, तब मैंने बिरला वाइट में कॉल किया था तो मुझे वहाँ से नंबर मिला था। तो ऐसा नहीं है, आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप एक सटी जगह पे पहुंच जाओगे, सही जगह पे, जहाँ पे आपको प्राइस भी एकदम जेन्युइन मिलेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप अदरवाइज आप कहीं और से परचेस करते तो आपको पक्का कॉस्टली मिलने वाला है, जिससे आपके कस्टमर भी बोलेंगे कि आपको, आप हमको महंगा दे रहे हो ये वो। तो इससे बेटर है थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और सही जगह से मटेरियल परचेज़ करिए। हर चीज़ की डीलरशिप लेना पॉसिबल नहीं है, तो आपको पुट्टी पीओपी पेंट एसेसरीज ये सारी चीज़ें आपको होलसेलर से परचेज़ करनी ही पड़ेगी, विदाउट इनके अब कुछ नहीं होने वाला है। बाकी आपको कोई डाउट है आप मुझे फील फ्री कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।